Hey guys, my name is Nehar and welcome back to my new vlog. So guys, अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और सुबह से मेरी बीबी का चालू है किरकिर किरकिर किर। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। तो मैंने सोचा कि आज सारे दिन का ब्लॉग शूट कर लेता हूँ, और दिन का तो नहीं, अभी नैतिक गया है स्कूल में और इसको भी जाना है जॉब पे, और जब तक ये जॉब पे नहीं जाते तब तक किरकिर से बचने के लिए मैंने सोचा कि चलो यार आज का भी ब्लॉग बना लेते हैं। तो रुको, मेरी बीबी को बुलाता हूँ, इधर आ। किरकिर कम होना चाहिए, किरकिर 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 कम होना चाहिए, इसलिए कैमरा चालू करके रख देते कि अभी ये थोड़ा लिमिट में बात करेंगे। प्यारी समझ गई। देखो गाइस, लिमिट में सच में हो गई। जैसे कि मैं पहले कैमरा ऑन करने का था तब मस्त बड़बड़ बड़बड़ चालू था, अभी बिल्कुल चार्ज हो गया। बोला तूने ए, पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो। और गर्मी तो इतना हो रहा गाइस, बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा, सच में बता रहा हूँ। अभी 4-5 दिन हो रहे, बारिश तो कुछ हो नहीं रही और गर्मी इतनी होते जा रही, बहुत कल हल्की सी बारिश आई, बाद में ऐसी धूप आई कि आपको बता नहीं सकता। तो गर्मी से हाल भी आ रहे, तो मेरे हाल फिलहाल में अभी कूलर लगा लिया। देखो ये कूलर निकाल लिया था मैंने, अभी दोबारा से मैंने कूलर लगाया। मैंने सोचा कि यार अभी गर्मी में नहीं रहना है, और कितने दिन बारिश आती कितने दिन आती अभी मुझको नहीं पता, और कूलर मैंने अपना सेफ्टी के लिए लगा के रखा दिया है, पर पानी नहीं डाला, पानी बाद में डालूंगा। मजा आया। सो अभी मैडम गई है किचन में, जाके देखते अभी किचन में वो क्या कर रही है और क्या नहीं। तो कोमल, घर के कामे करने में क्या कर रही? तो अभी ये डब्बा भरना स्टार्ट, इसको जाना है जॉब पे, तो फटाफट अभी डब्बा भरेंगी, और डब्बा भरने के बाद मेरे को बाय बाय करेंगी। और मेरे पीछे आज इसने एक काम छोड़ के रखा है, जैसे कि अभी हम दोनों रोज नैतिक को लेने जाते हैं, तो आज इसका कहना है, क्या कहना है? कि तुम अकेले जाओ। हाँ, आज तुम अकेले जाओ। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया, और पूरी घर की साफ सफाई हो चुकी है, आप देख सकते हो। सुबेरे से उठी, साफ सफाई करते 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 मेरे पीछे ऐसा बता नहीं सकता। मेरी बाइक घर के अंदर ही पड़ी रही थी, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो बना के पहले भी दिखाया था। और ये मेरा रूम है, बेडरूम छोटा सा, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ गाइस इंस्टाग्राम रील्स। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम रील्स बनाते रहता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। सुबेरे से उठा नहीं, चाय पिया नहीं, कुछ पिया, तब से किरकिर 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 सुन ही रहा हूँ, अभी तक नाश्ता नहीं आया। अभी और जाके देखते हो नाश्ता कब बनाएंगे और कब नहीं। नाश्ता वास्ता नहीं यार, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। आज नाश्ता वगैरह नहीं है। क्या बना रही तू? बेसन है। हाँ, मैं डब्बे में भर रही हूँ, गर्मा गर्म बेसन। तो गाइस, आप में से किस किस लोगों को बेसन पसंद है जरूर मुझे कमेंट में बताना। अभी नाश्ता नुस्ता तो कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि नाश्ता बनेगा कल, क्योंकि इनको भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इनको भी जॉब पे जाना है, ऐसे तो नहीं होता है। और मेरे को तो शाम को जाना पड़ता है जॉब पे, है ना कोमल? ठीक है, गर्म करूँ दाल? गरम करके तुम बाद में गरम नहीं करते ना। तो चलिए अभी इसको हम काम करने देते हैं। और अभी सुबह से उठा मैं, ब्रश व्रश करके सब रेडी हुआ, सिर्फ चाय पिया हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। नहाना का क्या है, मेरा नहाने का टाइम है 12 बजे का, क्योंकि आप सभी को पता है गाइस कि मैं करता हूँ डीजे में काम, यानी डीजे प्ले करता हूँ, तो उसके कारण मैं दिन भर घर में रहता हूँ, और रात को 7-8 बजे जाता हूँ और अपना डीजे प्ले करके रात को 12-1 कभी 2 कभी 3 ऐसा टाइम मुझे हो जाता है। तो दिन भर सारा घर में मैं अकेला रहता हूँ, जो इसलिए मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाता। तो आज जैसे ना वैसे मैंने टाइम निकाला, प्लस सोचा कि आज ब्लॉग बनाई हूँ। तैयारी चालू है कोमल, काय की तैयारी चालू है? इडली डोसा का बिगाड़ी है। सो गाइस, ये कल की तैयारी चालू है, कल कोमल का प्लान है कि इडली डोसा बनाते हैं घर में, तो इसने उड़द की दाल ली है। अभी यहाँ पे क्या दिख रही, चावल, चावल और उड़द की दाल मिक्स करके रखेंगी, फिर शाम को पीसेंगी और कल बनाएंगी, है ना कोमल? सुबेरे से किरकिर कर रही थी, अभी बहुत शांत है मेरे पीछे, अच्छे से क्लास ली इसने मेरी, अभी मैं इसकी क्लास ले रहा हूँ, काम कर जल्दी जल्दी। मजा नहीं आ रहा है, फिर ब्रह्मास्त्र है ना मेरे पास। तो गाइस कैसी कर रही है? सो गाइस, घर में मेरे लाइट्स का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं तो मेरे घर में बहुत कम लाइट है, ये रूम में तो लाइट ही नहीं है, छोटा सा लाइट है, और खिड़की के उजाले से मैं आपसे हर बात कर रहा हूँ, तो इस रूम में भी छोटा सा बल्ब लगा है जो कि लाइट ठीक है,
और छोटी सी किचन है तो उसके हिसाब से मैंने लाइट बराबर वहाँ पे फिट करके रखा हूँ। और मेरा घर उतना बड़ा तो नहीं है कि मैं अच्छे से लाइटिंग करूँ, या हम उतने रईस नहीं है, तो उसके कारण जो भी कुछ है। सो गाइस, अभी नैतिक गया है स्कूल। जैसे कि उसकी स्कूल रहती है 9 बजे की और 12:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, तो अभी बहुत टाइम है उसको छुट्टी होने को। और ये जैसी जाएंगी जॉब पे तो इसको मैं जॉब पे लेने जाता हूँ, फिर वहां से मैं नैतिक को लेने जाता हूँ, फिर नैतिक को घर पे लेके आता हूँ, उसको रेडी उडी कराता हूँ, बाद में उन दोनों को मैं जॉब पे छोड़ देता हूँ। तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है उसकी स्कूल को छुट्टी होने को, क्योंकि अभी 11:15 ऐसा कुछ बज रहा होगा, 1 घंटा टाइम है। तो वेट करते हैं, वहाँ पे भी चलते हैं स्कूल में। चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो जब तक इनके कामें चालू है तब तक मैं करता हूँ आराम, नहीं तो मेरे पीछे फिर से बड़बड़ बड़बड़ स्टार्ट हो जाएगा। और जब से मैंने अपना ब्लॉगिंग बनाना स्टार्ट किया हूँ ना गाइस, सच में बता रहा हूँ, बिल्कुल खामोश है, नहीं बड़बड़ नहीं कुछ, नहीं मुझको कोई काम भी बता रही नहीं कुछ। तो मौका बहुत अच्छा है, तो अभी मस्त आराम करता हूँ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को आराम से याद आया गाइस। तो गर्मी इतनी हो रही है, सच में बता रहा हूँ, कूलर लगाया मेरे को, कूलर में पानी भरना है, तो थोड़ी देर से मैं कूलर में पानी भरूंगा। और अभी लेटा था 5-10 मिनट मैंने वेट किया, लेट के पर पसीना तर हो गया, बाकी कुछ भी ये नहीं हुआ। तो अभी बाद में पहले कूलर में पानी भर लेता हूँ, फिर बाद में वो आराम से लेटता हूँ, इनको भी छोड़ के देना है। तो चलिए अभी कोमल की करते हैं थोड़ी बहुत हेल्प, कुछ हेल्प करूँ? हेल्प करने के काम बढ़ाने आए? नहीं नहीं, मैं मदद करने आया। पसीना देखो पसीना, कितनी गर्मी हो रही है। कूलर में पानी नहीं डालते हैं। डालूंगा ना, अभी टाइम है, तुम जाओगे तो डालूंगा। मैंने अकेले ठंडी ठंडी हवा खाई है, देख लो ऐसे मतलब ही है। इसकी आवाज आएगी आपको? मैं थोड़ी देर ठंडी ठंडी हवा खा लू, ये इनको मंजूर नहीं, इसलिए फिर मैं किरकिर 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 करती। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो इसको जाना है जॉब पे और मेरे को कहीं नहीं जाना है, मेरे को रहना है घर पे, तो मैं इसलिए बाद में बोलूंगा। अभी सुबह का टाइम है और सुबह इतनी गर्मी नहीं होती है ना, अभी तो ठंडी लग रही मेरे को। अभी ठंडी लग रही। तो दाल को डालनी इसमें? कल डोसा भी मैं सुबह नहीं बनाऊंगी क्या? मेरे को इनको सबसे ज्यादा पसंद है खाने में इडली डोसा, इनका फेवरेट है ना। तुम्हें क्या फेवरेट? क्या पता। डालू पानी? करू 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 डाल। गुण से डालो ना। रुको रुको रुक जाओ ना, रखना थोड़ी देर, बता रहा। तो गाइस अभी YouTube पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, इधर का ब्लॉग बनाऊँ, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि अभी स्लेट पेंसिल का जो भी रहेगा एरिया वहाँ पे भी जाके ब्लॉग बनाऊँगा, नौकुमट जो भी कुछ है हर जगह के ब्लॉग बनाऊँगा। पर ब्लॉग बनाने को गाइस कुछ नहीं, पर YouTube से अच्छा खासा इंप्रेशन नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या हुआ, कोई रिपोर्ट किया है मेरे चैनल को, क्या किया है, मेरे को कुछ भी नहीं समझ रहा, तो उसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा भी कम वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो पहले आप सभी को पता था मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाता था, बस ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चालू है और हो ही जाएंगी सॉल्व। अभी जलने वालों को तो जलाएंगे, कोशिश करेंगे आखिरी दम। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। सो गाइस, बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया आपकी गाड़ी घर पे क्यों पड़ी रहती है। सो गाइस, जिस पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चालू है तो उसके कारण मैं घर पे ही रखता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी हो गई थी चोरी, यहाँ पे देख सकते हो इसका लॉक वॉक सब टूटा है, तो ये चोरी हो गई थी, तो अभी मिल गई वापस, पर इसका लॉक वॉक सब टूटा है, तो उसके कारण ये गाड़ी मेरी घर में ही पड़ी है। तो अभी इसको निकालूंगा, न्यू गाड़ी है गाइस, आप देख सकते हो पल्सर है, पल्सर 220, तो गाड़ी पूरी न्यू कंडीशन है और इसका लॉक टूटा है, तो उसके कारण ये गाड़ी घर पे ही पड़ी है। कोमल की तैयारी चल रही है, कोमल देखो तैयारी, देखो कितनी फास्ट चल रही है, लेट हो गई ना ये, बहुत लेट हो गई है ना। घर पे आने की घाई नहीं करेंगी, जाने की बहुत घाई करेंगी, घर पे भी आने की घाई करती। जल्दी जल्दी कर, नैतिक को भी लेने जाना, थोड़ी बहुत मदद करना पड़े, बैकपैक करके देता हूँ। नहीं, नहीं, आज का मेरा प्लान पूरा किरकिर बंद हो गया इसका, दिन भर का जितने का था। कुछ तो बोल, चैनल को सब्सक्राइब करो करके यार, इतनी मेहनत से बना रहा मैं। हाय गाइस,
थोड़ा जोर से बोल, जोर से बोल। हाय गाइस, आप जो भी हमारे इस चैनल पर नए हो वो प्लीज प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमको आपके सब्सक्राइब की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी ये भी बोल दे कि मैं अपने नोरे को कभी डांटती नहीं, मैं इनको रोज चिल्लाऊंगी, रोज डांटूंगी, रोज किरकिर करूंगी, ताकि ये ब्लॉग बनाना भी चालू कर दे और किरकिर वाला बंद हो जाए और मेरा भी दिमाग शांत हो जाए। बोलने की बातें है, करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो। अभी आप शादी शुदा होंगे तो आप समझोगे, अगर शादी होने की होंगी तो आप थोड़ा लेट समझोगे, पर समझोगे जरूर, पर समझेंगे जरूर, है ना। अभी जा रही है तू? हाँ। कितना टाइम है? एकदम कुल। तो गाइस काफी ज्यादा थक गया मैं पानी भरते भरते, तो पानी पूरा भर के हो गया मेरा कूलर में। तभी कोमल का जाने का टाइम है, तो बिचारी को अभी मैं सार कर रहा हूँ। जा रही कोमल? जा मैं इसको अभी थोड़ा बाय छोड़ देता हूँ दरवाजे तक, यहाँ तक ही, ज्यादा दूर नहीं। चलो बाय, फोन कर छी ना, फोन बंद रहता, 12:05 को निकलना। तो फाइनली कोमल चली गई, अभी करता हूँ घर में आराम, क्योंकि नैतिक को लेने जाने को बहुत टाइम है, उसको 12:30 बजे लेने जाना पड़ता है। तो बस अभी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली मेरा कूलर चालू हो गया, बहुत गर्म हो रहा था। मेरे घर के इंटरनेशनल बोर्ड ये देखिए, तो अभी मेरे को पंखा चालू करना है ये वाला, तो उसके कारण चालू भी नहीं हुआ है, अभी चालू हुआ। तो यहाँ पे पूरे कपड़े टंगे हैं घर पे, अभी बरसात है ना, तो बरसात में सबसे ज़्यादा घर पे कपड़े टंगे रहते, कूलर चालू, पंखा चालू, अभी आराम। ए रहा नहीं जाता क्या आराम से। सो गाइस मैंने फाइनली नैतिक को स्कूल से ला लिया हूँ, अभी मैंने उसको छोड़ा हूँ कोमल के जॉब पे, क्योंकि कोमल भी मेरे साथ में आई थी। तो अभी मेरी तबीयत थोड़ी कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो वहाँ का भी मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। आप देख सकते हो गाइस पसीना, गर्मी तो है पर एकदम से अलग मरमर सा जी यानी मछला रहा, तो उसके कारण यानी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने वहाँ का शूट नहीं लिया। और आज का जो ब्लॉग है यहाँ पे ही मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अभी बनाने के लिए कुछ है नहीं, दिन भर मैं घर में अकेला ही हूँ। तो अभी करता हूँ आराम, खाना वाना खा के मस्त नहा धो के आराम करता हूँ, और आज का ब्लॉग यही ख़त्म करता हूँ। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।